सो हेलो वेलकम फ्रेंड्स अगेन ऑन माय चैनल। आज हम बात करेंगे बोल्ट क्राउन स्मार्ट वॉच की, जो कि मुझे पड़ी थी 1999 की पड़ी थी उस टाइम जब मैंने लिया था, ठीक है, फ्लिपकार्ट से मैंने लिया था। और ये मुझे मतलब वही 2000 के आसपास, मतलब 1999 रुपीज़ की पड़ी थी, ठीक है, यानी 1999 रुपये की उस टाइम पड़ी थी जब मैंने परचेस किया था, ठीक है। अभी क्या प्राइस है मुझे नहीं पता, ठीक है, फ्लिपकार्ट से मैंने परचेस किया। तो आइए बात करते हैं कि पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं मेरी बाकी सारी वीडियोस में आपने देखा होगा मैंने बहुत तारीफ़ की इस वॉच की, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं बता देता हूँ कि ये मैंने कब परचेस किया, ये मैंने पिछले ही साल परचेस किया है, वो भी अक्टूबर में, ठीक है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे खुद भी बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि जब ये वॉच आई थी इतनी बढ़िया चल रही थी, इसकी स्क्रीन इतनी अच्छी थी, डिस्प्ले इतनी अच्छी थी, जैसा कि मैंने बाकी वीडियोज़ में भी अपने दिखाया है। लेकिन मैं आज आपको मतलब वो करना चाहता हूँ कि अगर आप भी ये वॉच लेने का सोच रहे हैं तो प्लीज़ ये वीडियो देखने के बाद ही डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। तो सोचिए ये मैंने लिया अक्टूबर में पिछले साल, ठीक है, यानी अक्टूबर 2023 में मैंने इसे मंगाया इस वॉच को, ठीक है। और ये जून से ही इस वॉच की स्क्रीन जो है पूरी तरह से गायब हो चुकी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैं कुछ भी कर रहा हूँ कोई वो रिएक्शन नहीं आ रहा, बस जब चार्जिंग लगाऊंगा तब थोड़ा सा लाइट आती है, वो भी बस मतलब स्क्रीन पे बस एक लाइट टाइप की आपको दिखेगी बस, उसके बाद ये पूरी ख़राब हो चुकी है, ठीक है। ये पता नहीं कैसे हुआ क्या हुआ, क्योंकि ये मतलब मुझे जहाँ तक याद है पहले क्या हुआ कि पहले तो खूब बढ़िया चली, ठीक है, अक्टूबर से मैंने पूरा यूज़ किया। और जून में आपको बता दूँ कि जून में जाके ये अचानक से इसमें क्या हुआ कि लाइनिंग आने स्टार्ट हुई, पहले यहाँ पर एक लाइनिंग आई, ठीक है, फिर एक लाइनिंग आई, दो लाइन आई, तो मैंने सोचा कि यार हो सकता है ठीक हो जाएगा। फिर सबसे बड़ी बात तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि जब मैंने पता किया जाके मतलब ऑफलाइन भी जाके ढूंढा, लेकिन इसका कहीं पे आपको वही नहीं मिलेगा, सर्विस सेंटर ही जो कि इसकी वेबसाइट पे दिखा रहा था कि मेरे एरिया में भी है, ठीक है। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो पता लगा कि ऐसा कुछ नहीं था वहाँ सर्विस सेंटर इसका, बोल्ट कंपनी का, ठीक है। फिर मैंने जब बहुत रिसर्च किया, इसकी वेबसाइट पर जाके देखा और इसके डिब्बे से फाइंड आउट किया, और जो कि मेरा रजिस्टर्ड है, ठीक है, वारंटी, तो जब पता किया तो मुझे पता लगा कि यार ये तो इसमें तो ये प्रॉब्लम है कि मतलब आपको मतलब पार्सल करना है उसमें पूरा, मैंने टिकट रेज भी उसमें किया, मतलब सारे कंप्लेंट रजिस्टर हो गई, कोड भी मुझे दे दिया गया कि हाँ ये है ऐसे ऐसे। और पहली बात तो कोई कांटेक्ट करने का तरीका नहीं है, मतलब हम बात नहीं कर सकते, बस आप या तो मैसेज से कांटेक्ट करो या मेल करो, तो यार कौन डायरेक्ट बात होती तब मैं अपनी बात रख पाता कि क्या प्रॉब्लम है, कैसा है, ठीक है, क्या मुझे करना है, रिफ़ंड करना है, क्या करना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये, अब उसमें लिख क्या है कि आप पार्सल करिए इस एड्रेस पे, एड्रेस दे दिया गया उस पर, कहा गया कि इस पर पार्सल करिए, ठीक है, तो आपको 100 रुपये फिर दे दिए जाएंगे, ऐसा मतलब उसमें लिखाया गया, ठीक है, लिखा हुआ आया, ठीक है। लेकिन वो बात नहीं है, मेन बात तो ये है ना कि अब हम जाएँ पार्सल करें, ठीक है, फिर इसको पैक करके मैं पार्सल करूँ, पता नहीं वहाँ पहुँचे ना पहुँचे, और मान लीजिए पहुँच भी गया, आए ना आए, इसकी क्या गारंटी है, ठीक है। तो मुझे ये सर्विस इसकी बहुत ही मतलब ख़राब लगी, ठीक है। खैर सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, मैं ये नहीं कर रहा। और इसी वजह से मैं पहली बार तो कई समय से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए जून से ही ये वॉच मेरी ख़राब हो गई, मतलब स्क्रीन इसकी ख़राब हो गई, और इसके बटन्स भी पता नहीं कैसे जाम हो गए, बटन्स जो है जाम होना पहले ही स्टार्ट हुए थे, मतलब शुरुआत में बहुत अच्छा चला, 3-4 महीने आप जोड़ लो अक्टूबर से, ठीक है, मई तक, ठीक है, खूब बढ़िया चला वॉच। फिर जून में पता नहीं क्या एकाएक अचानक से, मैं बता देता हूँ क्या हुआ, पहले तो क्या हुआ लाइनिंग आई, एक लाइन, दो लाइन, फिर धीरे धीरे ढेर सारी लाइनिंग आ गई, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे लाइनिंग आने लगी, और कुछ देर बाद ही मतलब पूरी तरह से दिखना ही बंद हो गई स्क्रीन, मतलब ये समझ लीजिए कि एक दिन के अंदर ये पूरा हुआ, ठीक है। तो मुझे खुद बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि वॉच की मुझे बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, आज भी बहुत अच्छी, लेकिन पता नहीं क्यों कलर इसका छोड़ रहा है, सारी चीज़ें मतलब छोड़ने लगे, और बटन्स पहले से ही जाम होने लगे थे, मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आपको लेना आप ले सकते हैं, और ये अभी तक मैंने पार्सल नहीं किया, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि इतना टिटिम्मा करूं, ठीक है, एक वॉच के लिए, ठीक है, अच्छी वॉच है, नो डाउट चली, लेकिन फिर अचानक से क्या हुआ तो मुझे अपना ओपिनियन आखिरकार बदलना पड़ा, कि मतलब ऐसा एक्सपीरियंस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बोल्ट कंपनी से, ठीक है। तो जो भी है यही है, मतलब यही प्रॉब्लम हुई, मैं बता देना चाहता हूँ कि स्क्रीन पूरी तरह से गायब हो चुकी है आज की डेट में, आप देख लीजिए, ठीक है। ये वीडियो मैं बहुत समय से बना नहीं पा रहा था, सॉरी इसके लिए, बहुत समय से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बिजी था, शेड्यूल थोड़ा टाइट है, ठीक है। तो आज मुझे मौका मिला तो मैंने कहा कि यार वीडियोज़ ज़रूर डालना चाहिए, ठीक है, इसके ऊपर, ताकि जो भी लेने जा रहे हैं वो सावधान रहे, मतलब वो सोच समझ के ही लिए। देखिए ये भी मैं कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि सबका एक्सपीरियंस एक जैसा हो, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है, मेरे साथ ऐसा हुआ, ज़रूरी नहीं कि सबके साथ ऐसा हो, ठीक है, तो ये भी बातें हो सकती है,
तो इस वॉच का नाम है बोल्ड क्राउन स्मार्ट वॉच। ठीक है, ये मैंने बहुत पहले शुरुआत बहुत अच्छी चली, स्क्रीन सब बहुत बढ़िया था, डिस्प्ले बहुत अच्छा, एकाएक इसकी डिस्प्ले पूरी तरह से गायब हो चुकी है। ठीक है, और अभी भी मैं, मेरा तो कोई ऐसा प्लान नहीं कि अब मैं पार्सल करने जाऊँ। ठीक है, इतना टाइम भी नहीं कि जाके अब मैं पार्सल करूँ और ढूँढूँ ये वो, इतना नहीं कोई करेगा। ठीक है, तो मुझे ये शिकायत है कि इसका सर्विस सेंटर होना चाहिए ऑफलाइन। ठीक है, तो ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जब स्क्रीन ही ख़राब हो गई, स्क्रीन ही नहीं दिख रही है, तो मैं क्या करूँगा इस वॉच का। ठीक है, तो एक तरह से पैसा मेरा फंसी गया, क्योंकि अब इसको मैं पार्सल करूँ पता नहीं। अगर आप में से किसी को पता है आपके साथ ऐसा हुआ है, या कोई डिफेक्ट की वजह से आपने पार्सल किया हो और आ गया हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइनिंग ऑफ, पीस।